हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज हम लोग आए माहिम और स्टेशन इस साइड है। स्टेशन से 15 मिनट या 20 मिनट चल के आपको जाना पड़ता है माहिम दरगाह। स्टार्ट करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ आपको। एक्चुअली क्या हुआ था, अभी मैं मतलब घर से आ रहा था वीडियो बनाने के लिए, तो चैम्बूर स्टेशन पे मैं रुका हुआ था। तो वहाँ पे शूज़ पॉलिश करने वाले अंकल थे, वो एक बंदे का शूज़ पॉलिश कर रहे थे। वो बंदा उसमें पैर में पहन के शूज़ पॉलिश करवा रहा था। बट उसके जाने के बाद मैंने पूछा कि अंकल आपको ऑकवर्ड नहीं लगता ऐसे शूज़ पॉलिश करना, उसको बोल देते उतार के दे देता आपको। तो उसने क्या बोला कि अब मैं क्या बताऊँ बेटा, किसी को देने का रहता तो शूज़ उतार के दे देते, या फिर जिसको नहीं देने का रहता वो नहीं देते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार एटलीस्ट आप जब शूज़ पॉलिश कराने जाते हो तो उसको उतार के दे दो यार, दो मिनट लगेगा उतार, वो शूज़ पॉलिश करके आपको दे देगा। अब उसकी भी सेल्फ इस्टीम बच जाएगी, आपकी भी। रोड क्रॉस कर लेता हूँ वरना ऊपर चले जाऊँगा। मेरा बाबा फालूदा यहाँ का सबसे फेमस शॉप और इस साइड का पूरा शॉप अभी पूरा खाली है। शाम संडे को कल जब मैं आया था यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। एक्चुअली क्या होता है, संडे को बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है, बट अभी पूरा खाली है, देख सकते हैं पूरा खाली है। और संडे को कल जब मैं आया था तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी और चलने का रास्ता नहीं हो रहा था, बट अभी पूरा। तो चलते हैं आप लोग अंदर और अंदर का पूरा शूट करते हैं पूरा माहिम दरगाह वहाँ। चलते, पूरी पराठा बन रहा है यहाँ पे, इतर की दुकान है। हाय हाय भाई, ये सोला है या माय सोला, ये सब लाइक। और सब कैसे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ना। और सब चलो, अल्लाह हाफिज। और इस साइड पे जूस की दुकान है और इस साइड पे नॉन वेज फूड। इस साइड से हमें नॉन वेज, और मोस्टली यहाँ पे नॉन वेज फूड रहेगा क्योंकि मुसलमान यहाँ पे ज़्यादा आते हैं, और जो हिंदू नॉन मुस्लिम है वो भी बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पे दरगाह के लिए। सब इतर की दुकान है और इस साइड पे सिंगम के कुछ जो सीन थे जो यहाँ पे शूट हुए थे, इस जगह पे सिंगम की शूटिंग हुई थी। कुछ दिन ऐसे लगभग 10 या 15 दिन शूटिंग चली थी। तो अंदर से चलते पूरा देखा थे। एक्चुअली कल आया था तो एक्साइटेड था कि यार आज ही वीडियो बना, लेकिन कैसा था ना, माइक लेके आया था ना ट्राइपॉड लेके आया था कि वीडियो आ रही है यार, फिर कैसे बना। और क्राउड बहुत ज़्यादा था, देखा ऐसा अच्छा देख रहा हूँ। वैसे आपका नाम क्या हुआ? और इस साइड पे होटल है पूरा, और इस साइड पे चादर और फूल्स मिलते हैं यहाँ पे। सर भाई, और इस साइड फूल्स है पूरा वगैरह, बट अभी क्राउड नहीं है, पूरा खाली है। तो फटाफट जाके वीडियो बनाया था, कल चलने की जगह नहीं थी यहाँ पे। और इस साइड पे पूरा फूल्स गिर गया। और बैक कैमरे से आपको दिखा दूँ, पूरा जो माहिम दरगाह का गेट है वो आपको पहले दिखा देता हूँ पूरा साइड, बैक साइड कैमरे से। और इस साइड पूरे फूल्स की दुकान है, फ्लावर की। और इस साइड अंदर का पूरा, और पहले आप लोग यहाँ पर चप्पल रख देते हो भाई, यहाँ पे रखना है। नाम क्या है? पबजी गेमर्स। तो जो भी है इनका चैनल जाके सब्सक्राइब करो, पबजी गेमर्स सर्च करना और चैनल का नाम आ जाएगा। तो कि भाई फिर अल्लाह चलते शेख चांद मिल चप्पल रखा जाता था। और मतलब पैसे भी लगते हैं, जाने के टाइम पे पैसा देना पड़ता है 10-5, जो भी आपके दिल में इच्छा हो आप दे सकते हैं। और इस साइड मज़ार है उनका दरगाह, यहाँ जाकर हम लोग चादर चढ़ाते हैं अंदर में, बट अंदर जाकर वीडियो बनाना अभी अलाउ नहीं है। इस साइड मस्जिद है और अंदर वज़ू खाना है, तो अंदर वज़ू खाना पे पहले चलते और सब यहाँ बैठे पड़े हुए पूरा बैक। फाइनली अब हम लोग वज़ू बना लेते हो, उसके बाद चलते हैं पीछे बाजू और वहाँ का पूरा कैप्चर कर। एक्चुअली क्या हुआ, मैं टोपी घर पे ही भूल गया, तो उसके वजह से बिना टोपी के पहनना पड़ा।
और ये एग्जिट गेट है, आप लोग उस साइड से अंदर जाते हैं वैसे करके और इस साइड से आते हैं बाहर। और ये अभी रात में बहुत ज़्यादा मतलब लाइटिंग आ रही है तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखता है, मैं उसका वीडियो डाल दूंगा। और इस साइड पे अगर आपको कुछ खिलाना उलाना है या आप किसी को खिला सकते हैं जो गरीब हो गए उनको, तो इस होटल में जो यहाँ पे रखा हुआ है यहाँ पे खिला लोगे। कैसे अपना यूट्यूब चैनल है, ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, शुक्रिया। और एक ये दरगाह यहाँ पे, और यहाँ पे जो भी गरीब है उनको खाना खिलाया जाता है यहाँ पे। अगर आप भी खाना खिलाना चाहते हैं तो यहाँ पर आके पैसा देते हैं, उन लोग अपना खिला देंगे। सर भाई हाँ सब अच्छे से, सबसे बेटर खाने के उसके लिए सब मस्जिद में थे। अच्छा ठीक है, ये अपना चलिए अल्लाह हाफिज़। आपका नाम क्या होगा? मोहम्मद तौकीर भाई। मोहम्मद तौकीर भाई, अल्लाह आपको दुआ दीजिए भाई। इस साइड भी एक छोटा सा दरगाह है तो पहले वहाँ चलते हैं, उसके बाद अंदर समुंदर के कात में जाएंगे। यहाँ पे भी है इस साइड का, शुक्रिया। और इस साइड पे एक दरगाह है जो वहाँ साफ कर रहे हैं, और यहाँ पे मन्नत मांगी जाती है और ताला लगाया जाता है, और जिनको जो मन्नत मांगनी होती है वो मांगते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे धागा बांधा जाता है। बीच पे आ गए हम लोग, क्या करते भाई इंटरव्यू लू तुम्हारा? कॉलेज डांडे हम लोग भी करते भाई, टेंशन नहीं, हम लोग भी करते। और इस साइड कल आए थे हम लोग तो पूरा खाली था, और वो दरगाह वहाँ एक है बैक कैमरे से देखो, जो आप झंडा दिख रहा है वहाँ पे भी एक दरगाह है। और एक्चुअली कल शाम में आया था तो मैं पूरा खाली था, पानी नहीं था यहाँ, वहाँ तक पानी नहीं था, तो हम लोग अंदर गए थे। एक्चुअली क्या हुआ था, कल हम लोग सोचे थे कि माइम फोर्ट जाएंगे, और हम लोग ने गूगल पे सर्च किया था तो बहुत ही खूबसूरत प्लेस दिखा रहा था कुछ इस तरह। बट क्या हुआ था कि हम लोग वहाँ गए ना तो पूरे सारे मतलब जितने भी फोर्ट है वो सब टूट टाट के घर में तब्दील हो गए, मतलब जो पहला फोर्ट था वो अब घर बन गया है। ज़्यादा ज़्यादा मैं आपको उसका पूरा वीडियो दिखा दूंगा किस तरह घर में तब्दील हुआ। हम लोग जाके शौक रह गए यार, अरे यार कैसा था और कैसा हो गया, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैं बोला फ़ोटो में कुछ और देखा और यहाँ पे कुछ और, मतलब वो देख कहते ना कि कोहिनूर दिखाया जाता है और नकली हीरा ला के दे दिया जाता है। बीच पे बिना चप्पल पहने चलने का मज़ा ही कुछ और है। और अभी तो उस साइड हालो कैमरा तो पूरा काला नज़र आ रहा है। कल हम लोग 7:30 बजे शाम तक यहाँ रुके थे तो हम लोग सनसेट का फ़ोटो लिए थे, तो बहुत ही खूबसूरत फ़ोटो आया था। चलते हैं उस साइड पे, और यह पूरा भीग गया है यार, देखो पूरा पैंट पूरा भीग गया यहाँ तक मेरा। और इस साइड लेडीज लोग है जो मतलब दरगाह पे आते हैं, वो इस साइड पे वजू बना के, और इस साइड पे देखे यहाँ पे जो भी मन्नत मांगते हैं या कुछ भी, ये यहाँ पे आके मांगते हैं और यहाँ पे धागा बांधते हैं। और दरगाह इस साइड पे यहाँ है, बैक कैमरे से दिखा तो पूरा दिख नहीं रहा हिसाब से। कल हम लोग आए जो माइम पॉट पे, तो मेरे दोस्त ना इसको मतलब माइम पॉट समझ रहा था, तो मैं बोला अरे यार यहाँ पे नहीं, मैप बता नहीं रहा है, मैप आगे बता रहा है तो आगे जाने का है, तो बोल रहा नहीं यहीं पे। मैं बोला देख मैप बता रहा है, और अंकल से उसके बाद चीट करने लगा मुझसे, तो मैंने अंकल से बोला कि अंकल माइम पॉट की साइड पे, तो उन्होंने भी बताया कि उस साइड पे, तो बोला बेचारा बोला चुप हो गया, बोला जान दे यार चल सीधे चलते। अच्छा ये नाम क्या है? अरे नाम तो बता दे, शर्मा गए क्या? चल नाम क्या है सच में, नाम क्या है? क्या अब्रार। चलिए, और फाइनली हम लोग माइम पॉट पहुँच गए, दिख रहा है वहाँ पे भी घर बन गया है। और इस साइड पे अंधेरा हो गया तो मैंने शाम में जो फोटो लिया था, और सॉरी छोटा सा क्लिप बनाया था वीडियो का, वो आपको दिखा दूंगा, क्योंकि अभी यहाँ पे जो कैमरे पे सूरज की रोशनी आ रही है जिसकी वजह से पूरा दिख नहीं रहा है, और मतलब मैंने लिया है थोड़ा शाम का है बट क्लीन है, वो आप इसमें वीडियो में मैं डाल दूंगा तो देख लीजिएगा। और
और ये रहा चर्च, बट रात में खुला था, कल अभी नहीं खुला है। तो मैंने सोचा अगर खुला होगा तो जाऊंगा मैं, क्योंकि मैं कभी चर्च में नहीं गया हूँ। तो मैं सोचा कि इस बार आज तो जाऊंगा चर्च, लेकिन तमन्ना जो है कुड़ी काक में मिल गई, क्योंकि यह ऑलरेडी बंद है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अल्ताफ से। आपका भाई? मैं खान वाजिद। कहाँ से आप लोग? दुलिया। दुलिया, तो भाई लोग दुलिया से आए आइन दरगाह देखने के लिए। तो भाई लोग का इंट्रो तो मैंने करा ही दिया, तो मिलते चैनल पे। भाई लोग बोले कि आप चैनल पे आऊँगा, तो बोला ठीक है भाई, चलो अल्लाह हाफिज़ भाई। आगे भाई आगे, इस साइड से आ जाओ, आ जाओगे। इसे नाम क्या हुआ भाई आपका? आपका नाम क्या हुआ? अशफाक। तो गाइस आज के लिए बस इतना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। जब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।